दोस्तों कोरोना वायरस के ऊपर एक एडिटिंग का वीडियो बनाने के लिए आप में से बहुत सारे भाई लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मैसेज किया था। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसका एक ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूँ और सबसे पहले आप मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का ये एडिटिंग का कॉन्सेप्ट कैसा लगा। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखो ताकि आप भी अपनी फोटो के साथ ऐसा एडिटिंग खुद कर पाओ और मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर ध्यान से देखो, ठीक है। और गाइस वीडियो अगर आपको लास्ट में पसंद आए तो वीडियो को नीचे जाकर लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो क्योंकि वहाँ पे मैं हर एक चीज़ का अपडेट देता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों आज की इस एडिटिंग का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से और साथ में जितने सारे पीएनजीज है इन सबको आप एक साथ डाउनलोड कर लेना, लेकिन वीडियो के एंड में जाकर डाउनलोड करना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इस बैकग्राउंड को आपको ओपन करना है अपने पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। दोस्तों बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टेप करना होगा, जो है आपको अपना फोटो को ले आना होगा और उसका बैकग्राउंड को इरेज करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपने फोटो को ले आता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो मॉडल का फोटो है इसका बैकग्राउंड मैं पहले से यहाँ पे रिमूव करके रखा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लो, वहाँ भी एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को क्लिक करके बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा मॉडल का कार्ड आउट है इसको मैं बैकग्राउंड के साथ बराबर एडजस्ट करता हूँ। तो दोस्तों मॉडल का पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद सिंपली इसको ऊपर से डन करेंगे। अब दोस्तों मॉडल का जो नीचे का पार्ट है वो आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मैच नहीं कर रहा है। तो मैच आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, सिंपली आप चले जाओ ऐड फोटो में, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लैक शेड वाला पीएनजी इसको लेके ऐड करना है, फिर इसके साइज को आपको बड़ा करना है और नीचे कुछ इस पोजिशन में इसको रखना है, ठीक है। देखो अच्छा लग रहा है, ऊपर से कर लेना है डन। अब दोस्तों इस फोटो को हमें एक काला टोन में ले आना है, जो कि यहाँ पे मैं ग्रीन काला टोन को यहाँ पे चूज़ करने वाला हूँ। तो वो आप कैसे कर सकते हो इसको आप ध्यान से देखो इस स्टेप को। तो सिंपली आप चले हो यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर, इफेक्ट्स के अंदर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे आना है काला टैब में, ये देखो काला टैब, और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे चूज़ करना है फोर्थ नंबर जो है कलर आइज, इसको चूज़ करने के बाद सेटिंग को आप ओपन करो, फिर यहाँ पे ह्यू को करो आप यहाँ पे कुछ इस नंबर पर, आपको भी यहाँ पे ग्रीन काला टोन ले आना है, ठीक है। तो चलो हम इसको करते हैं ऊपर से डन, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं टूल्स के अंदर, फिर एडजस्ट आइकन के अंदर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे, अच्छा लग रहा है बहुत ही। थोड़ा सा ब्राइटनेस को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं बस थोड़ा सा, यहाँ पे हाइलाइट्स को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिक्रीज़ करते हैं, एंड गाइस थोड़ा सा शैडोज़ को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं, बहुत ही बढ़िया। चलो ऊपर से डन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कोरोना वायरस का जो पीएनजी से उसको हमें ले आना है, तो सिंपली हम चलेंगे यहाँ पे ऐड फोटो में, फिर दोस्तों ये वाला जो पीएनजी है इसको लेके आपको ऐड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका ब्लेंडिंग मोड जो है इसको आपको करना है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करने के बाद आपको इसको डुप्लीकेट करके करके अपने जो फेवरेट पोजिशन है वहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम करते हैं यहाँ पर आके इसको डुप्लीकेट, यहाँ पे हम इसको रखेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, दोबारा डुप्लीकेट कर दिया, इसका पोजीशन को कुछ दूसरी तरफ रखेंगे, डुप्लीकेट। अब दोस्तों यहाँ पे आप डुप्लीकेट करो और यहाँ पे साइज को आपको बड़ा कर लेना है थोड़ा सा कुछ ऐसे, फिर से डुप्लीकेट करो और आप इसको दूसरी साइड में भी ऐसे रख सकते हो। एक और डुप्लीकेट करता हूँ एंड इसको मैं कुछ ऐसे रखूँगा ऊपर की ओर ऐसे, बहुत ही बढ़िया। चलो इसको हम ऊपर से कर लेते हैं डन। अब जो यहाँ पे बड़ा वाला जो डुप्लीकेट यहाँ पे हमने किया है इसको आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इसको ब्लर करना है। तो आप यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर चले आओ, फिर यहाँ पे चले आओ ब्लर टूल के अंदर, ब्लर के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे लेंस ब्लर चूज़ कर सकते हो या फिर सिंपली ब्लर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेंस ब्लर चूज़ करके लाइटनेस को जीरो करता हूँ एंड रेडियस को इनक्रीज़ करता हूँ, ओके। फिर ऊपर चलता हूँ इरेजर पे, यहाँ पे हम इसको करेंगे इन्वर्ट, फिर ब्रश को लेके सिंपली ये वाला जो बड़ा वाला जो यहाँ पे पीएनजी मैंने ऐड किया है इसके ऊपर मैं पेंट करूँगा। तो गाइस देख सकते हो काफ़ी गजब लग रहा है ना, आप इसका अमाउंट को थोड़ा सा डिक्रीज भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा रखता हूँ एंड इसको ऊपर से डन कर लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक लास्ट टेक्स्ट पीएनजी ऐड करेंगे, तो हम चलते हैं ऐड फोटो में, फिर ये वाला एक टेक्स्ट पीएनजी है इसको लेके ऐड करना है। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट पीएनजी है इसको आपको नीचे भी रख सकते हो और ऊपर भी आप रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसको नीचे ही रखता हूँ।
तो गाइज देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ना। तो चलो हम इसको करते हैं ऊपर से डन, बहुत ही बढ़िया। चलो हम इसको ड्रॉ टूल के अंदर आके इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे सेव इमेज। तो दोस्तों आपको ये एडिटिंग का प्रोसेस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप ही जाओ अपने फोटो ऐसे एडिट करो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, और साथ ही साथ अपने उन सारे दोस्तों के साथ रिलेटिव के साथ भी इसको टैग करना अपने फोटो को, ताकि उन सब के अंदर भी ये जागरूकता आए कि कोरोना वायरस से सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को जाने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग दोस्तों एंड कीप क्रिएटिंग।